हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एपी का पार्ट थ्री करने वाले हैं। कल एपी का पार्ट थ्री थोड़ा बड़ा होने वाला था, लेकिन बैड वेदर के कारण वो डिस्टर्ब हो गया था। तो पार्ट टू भी बहुत बच्चों का कहना है कि अच्छे से नहीं आया है, लेकिन मैंने बोल बोल के पढ़ाया, तो आप ट्राई कीजिएगा उसको करने का। मैं पार्ट थ्री स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैंने स्टॉप किया था उससे आगे शुरू कर रहा हूँ। समझिएगा आप सभी, ये रहा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो हमारा क्वेश्चन है, पहले मैं हेडिंग बना देता हूँ। टॉपिक क्या है? एपी। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, इज 55 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1, 3, 5, ……। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें पूछा गया कि 55 इसका टर्म है कि नहीं। तो क्या हमने बताया है? 3 से 1 गया 2, 5 से 3 गया 2, डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस, तो मतलब ये एपी में है। ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1। डी इज इक्वल टू 3 − 1, 2। और ये 55 टर्म के बारे में पूछा है, तो टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 55। आप जानते हैं टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 55 इज इक्वल टू 1 प्लस डी का वैल्यू 2 है, 1 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 54, बाई में आ जाएगा 2, 27, और ये 28 इज इक्वल टू है, एन का वैल्यू 28 आया, मतलब एन एक नेचुरल नंबर है। तो एन एक नेचुरल नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। अगर यही एन का वैल्यू मान लीजिए आता 1/2, तब आंसर क्या हो जाता? नो, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, डेढ़, मतलब टर्म जो है कभी भी नेचुरल नंबर ही होगा या होल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको इस तरह से करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन यहीं से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, उधर से सोल्यूशन करूँगा। फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ 2000, 1995, 1990। ये पूछा गया इसका कि क्या होगा नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म का मतलब कि टी एन का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0 से छोटा आना चाहिए। तो हम लोग टी एन को 0 से छोटा कर देंगे। तो पहले टी एन का वैल्यू निकालना होगा। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 2000। डी कितना है? 1995 में से 2000 घटेगा, −5। ए मालूम है, डी मालूम है। सिचुएशन मेरा क्या है? टी एन जो है लेस देन है किससे? 0 से। टी एन का फॉर्मूला क्या है? प्लस इन माइनस वन डी लेस देन 0। ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं, डी का वैल्यू कितना है? −5 है। ये हो गया आपका 2000 −5n + 5 < 0, 2005 − ये हुआ। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। ए है और बी है। अगर ए का वैल्यू बड़ा है और बी का छोटा है, वैसे ये 20 है और ये 5 है, तो क्या हो जाएगा आंसर? पॉजिटिव होगा आंसर। 20 में से 5 गया 15, पॉजिटिव आएगा। तो ए माइनस बी में ए अगर बड़ा है तो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। ए माइनस बी अगर 0 से बड़ा है तो ए बड़ा होगा बी से। ए होगा, ए बड़ा हो जाएगा बी से। अच्छा, ए माइनस बी अगर निगेटिव आ रहा है तभी तो 0 से छोटा होगा। तो ये हो गया अगर 5 और ये हो गया 8, तो क्या होगा इस कंडीशन में? बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ए माइनस बी ग्रेटर देन 0
देन फार्मूला हो गया कि ए ग्रेटर देन बी और ए माइनस बी लेस देन जीरो देन बी ग्रेटर देन ए। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ भी ए माइनस बी लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि बी बड़ा होगा ए से। तो हम क्या लिखेंगे, 5n ग्रेटर 2005 से ये कट जाएगा, तो n ग्रेटर 401। n का वैल्यू 401 से ग्रेटर होगा, तो 401 से ग्रेटर क्या होगा, 402, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन मैं पिछले दिन करा रहा था, तो क्या हुआ कि बैड वेदर हो गया। इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, फाइंड m प्लस nth टर्म। ठीक है, क्वेश्चन यही है, बनाना शुरू करते हैं। इसका सोल्यूशन तो थोड़ा लंबा होगा, तो मैं क्वेश्चन वाली बुकलेट को साइड में रख दिया हूँ। देखिए क्या है, m टाइम्स द nth टर्म, nth टर्म का m टाइम्स, आप जानते हैं कि nth टर्म क्या होता है, tn होता है, तो nth टर्म क्या होगा, tm होगा, होगा कि नहीं होगा। nth टर्म tn होता है तो mth टर्म tm होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, mth टर्म का m टाइम्स, मतलब कि tm का m टाइम्स, और उसी तरह tn का n टाइम्स, मतलब यही इक्वेशन है हमारा, m इंटू tm इज इक्वल टू n इंटू tn, क्या यही ना होगा। अब m का m रह जाएगा, tm का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, स्मॉल ब्रैकेट पहले से तो हमने इसको मिडिल ब्रैकेट ले, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी इक्वल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, ए वाले को एक तरफ लाते हैं, एम ए माइनस एन ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू तो जीरो, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन आ जाएगा ए एम माइनस एन, इसमें देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, यही होगा। सिंप्लीफाई थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, देखिए इसमें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मिलके फार्मूला बना देगा, तो पहले मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि बिना साथ में लाए ये फार्मूला यूज कर दिए, तो अब इसके लिए हम लिखेंगे कि ये होगा m प्लस एन, ये होगा m माइनस एन, और माइनस ये हो जाएगा आपको m माइनस एन, यहाँ से लेके और यहाँ तक मिडिल ब्रैकेट है, ये छोटा। नेक्स्ट हो जाएगा ए इंटू एम माइनस एन प्लस डी इंटू, देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एम माइनस एन, तो एम माइनस एन कॉमन ले लिए, तो ये बच गया एम प्लस एन माइनस वन, इतना आया हमको। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, अब हम टोटल में से एम माइनस एन कॉमन लेने वाले हैं, तो हम अब क्या करेंगे, टोटल में से एम माइनस एन कॉमन लेने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल में से m माइनस एन कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस
एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। अब ए माइनस एन जीरो के बटा में हम लोग डाल देते हैं, तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो के बटा में ये आया तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब हमारे पास ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या आया, जीरो आ गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, एम प्लस एंथ टर्म, मतलब हमको टी एम प्लस एन निकालना है। तो फार्मूला क्या होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। और देखिए ए प्लस एम प्लस इक्वल टू जीरो कहाँ से, ये होगा और इसका वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल अब शायद ख़त्म होने वाला है, इसके बाद कुछ एक्सप्लेन मैं करूँगा। ये जो है आपका लास्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 1000। That are divisible by 7. यही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेन करने वाले हैं क्या होगा। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 100 एंड 1000, 100 और 1000 के बीच 7 से डिविजिबल। तो हमारा पहला टारगेट होगा कि 100 के आसपास का नंबर 7 से डिविजिबल कौन है। तो क्या कीजिएगा आप उसको, 7 से आप 100 को डिवाइड कीजिएगा। टू बच गया, तो आप क्या करेंगे, 7 माइनस 2 कितना हुआ, 7 माइनस 2 5, 100 में 5 ऐड कर दिया, 105 हो गया। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो पहला होगा क्या, 105। मालूम है 7 का है तो नेक्स्ट बढ़ जाएगा 7। हम लास्ट में चलते हैं 1000, क्या करेंगे, फिर से 7 से डिवाइड करेंगे 1000। रिमाइंडर 6 बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया। तो हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे 1000 में से, 1000 में से 6 माइनस करने पे क्या होगा, 994। ए मालूम है, डी मालूम है, टी एन मालूम है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। क्या यहाँ ए का वैल्यू है 105, यहाँ डी का वैल्यू है 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, और हमारा टी एन है 994। फार्मूला स्टार्ट करते हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन का वैल्यू है आपका 994, ए का वैल्यू है 105 एन माइनस वन, डी का वैल्यू है 7। 105 इधर ला के माइनस कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, 889, और बाई में आ जाएगा 7 इक्वल टू एन माइनस वन, ये कट जाएगा 127, माइनस वन इधर आया प्लस, तो एन इज इक्वल टू कितना हुआ, 128। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। थ्री नंबर्स इन एपी, हमको अगर एपी में 3 नंबर लेना है तो हम कौन से 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, लेंगे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। आपको मालूम है कि नंबर को एपी में होने के लिए क्या कंडीशन है,
डी का वैल्यू सेम, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डी आएगा। तो ये थ्री, जब क्वेश्चन आ जाए आपको थ्री नंबर से रिलेटेड कि सम ऑफ थ्री नंबर इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दैट, तब क्या करेंगे, नंबर लेंगे ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ठीक है थ्री नंबर्स के लिए। अगर आपको फोर नंबर्स लेना पड़ा तब क्या लिख लीजिएगा, फोर नंबर्स इन ए पी, तो हमारा होगा ए माइनस थ्री डी माइनस डी, ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी, ये फोर नंबर्स के लिए हो जाएगा, थ्री नंबर्स फोर नंबर्स, फाइव नंबर से रिलेटेड भी हम लोग जान लेते हैं, ये मैक्सिमम है, फाइव नंबर से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, तो हम लोग फाइव नंबर से रिलेटेड लिख लेते हैं। फाइव नंबर से रिलेटेड क्या होगा, फाइव नंबर इन ए पी ए माइनस टू डी, फिर ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और फिर ए प्लस टू डी, ये फाइव नंबर्स ए पी में अगर आपको लेना है तो ये फाइव नंबर्स आपको लेने हैं, ठीक है। हम लोग अब इससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन ए पी इज 27 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 293, फाइंड देम। तो हमें वो नंबर फाइंड करने हैं, नंबर कैसे फाइंड होगा, तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको थ्री नंबर्स लेना है एपी में तो ये तीनों लेना होगा, तो हमारा नंबर्स हो गया ए माइनस डी ए और ए प्लस, थ्री नंबर्स हमको पता हो गया। अब क्या सम 27 है तो आप क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जाइएगा कि ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी जो है 27 है, डी से डी कट जाएगा, थ्री है 27, मतलब कि ए का वैल्यू 9 आ गया। फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अब क्या कहता है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर का सम, फिर से अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और ए प्लस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रहा है, 293। इसमें हम चाहें तो ए का वैल्यू 9 पुट कर लेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद ए माइनस बी होल स्क्वायर तोड़िए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ये होगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad इक्वल टू 293, यही ना होगा। अब क्या इसमें कुछ कटने वाला है, माइनस का 2ad प्लस का 2ad से कट जाएगा। अब जो रिमेनिंग है हम लोग उसको लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर थ्री टाइम्स ए स्क्वायर आया और डी स्क्वायर दो बार आया, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3a² प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 293। अब ए का वैल्यू है 9, तो 3 × 9 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 293। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 × 3 कितना हो जाएगा, 243। और ये आपका डी स्क्वायर और डी स्क्वायर 2d² है ना, यहाँ पे 2d² 243 प्लस 2d² की वैल्यू 293। इधर जाकर माइनस हो गया 50, बाई में गया 2 हो गया 25, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 5,
देखिए यहाँ पे हम लोग हमेशा √25 आता है, जनरली जगह तो हम लोग 5 ही लेते हैं, लेकिन यहाँ प्लस माइनस 5 क्यों लिया, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा है कि डी 5 भी आ रहा है, डी माइनस 5 भी आता है इससे पहले, तो इसलिए हमने प्लस माइनस 5 लिखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया रहा था कि डी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे प्लस 5 ही होता, माइनस 5 नहीं होता। ठीक है, तो डी का वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गया, ए का वैल्यू 9 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर में वैल्यू डालेंगे, क्या है नंबर, ए माइनस डी है, ए है, ए प्लस डी है। देखिए प्लस माइनस 5 है तो आपका दो केस होगा, एक बार आप डी का वैल्यू प्लस 5 डालेंगे और एक बार डी का वैल्यू माइनस। तो यहाँ लिख देते हैं कि वेन डी इज इक्वल टू 5, तो ए है 9 माइनस 5, ये है 9, ये है 9 प्लस 5, 4, 9, 14, पहला केस हो गया। फिर आप क्या लिखिएगा, वेन डी इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस का 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 5, ये 14 होगा, ये 9 होगा और ये 4 होगा। तो आंसर होगा या ये और ये, यही दो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक ख़त्म करेंगे। आज वीडियो की लेंथ इतनी ही होगी, एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट पार्ट एपी का हो उसमें क्लास 10 का जो भी है टॉपिक वो कंप्लीट हो जाए। 11 लेवल का तभी चलेगा, एपी के बाद जीपी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द सम ऑफ 4 इंटीजर्स इन एपी 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 945। The sum of 4 integers in AP is 24 and their product is 945 था शायद, 945 फाइंड देन, तो उन्हें फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फोर नंबर्स लेना है तो आप क्या लीजिएगा, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ये फोर नंबर्स हो गया। अब क्या करना है, सम है 24, सबको ऐड कर देते हैं, ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस डी प्लस ए प्लस 3d 24। देखिए माइनस का 3d प्लस के 3d से ख़त्म, माइनस का डी प्लस के डी से ख़त्म, ए ए ए 4 है ना, 4 इज इक्वल टू 24, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 6, ए की वैल्यू आ गई 6। अब हम लोग प्रोडक्ट में वैल्यू डालते हैं, जब हम मल्टीप्लाई, तो ए माइनस 3d इंटू ए माइनस डी टू ए प्लस डी ए प्लस 3d, यही है इज इक्वल टू 945। अब क्या होगा, देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी इन दोनों को साथ रख देते हैं, इसको और इसको एक साथ रखेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके और इसके हेल्प से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी मतलब 9d स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इसमें भी लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब क्या होगा, ए का वैल्यू पुट होगा, आप ए का वैल्यू 6 आया है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस, यही हुआ, ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 9d स्क्वायर, 36 माइनस डी स्क्वायर। अब क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 36 से इसको कीजिएगा कितना होगा, 1296 होगा, माइनस 36 डी स्क्वायर, 9 को 36 से करेंगे तो कितना होगा, 9 को 324 होगा, प्लस 9 डी का पावर 4 आ जाएगा आपको। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
नेक्स्ट है अब। अच्छा क्वेश्चन तो अभी ख़त्म ही नहीं हुआ ना, हम लोग अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या होगा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, हो गया। सबको एक तरफ करते हैं, -36d² और -324d², ये तो क्वेश्चन अपने आप में सही में बहुत बड़ा हो गया। नाइन डी का पावर 4 माइनस, ये आपको हो जाएगा 36 4 60 -360d² प्लस 1296 -945 ना। यहाँ पर तो सही में हमने बहुत बड़ा ले लिया है, काफ़ी सॉल्व करने में टाइम ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन भी 4 नंबर वाला है तो इतना ही लंबा होगा। 6 से 5 गया, 1351 आया। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 9 आ रहा है सब में कॉमन, 9 कॉमन ले लेते हैं। d4 माइनस 40d² प्लस 39 हो रहा, ये 9 गया 0 में, हो गया आपको d4 माइनस 40d² प्लस 39 इजी। अब तो ये फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म इसलिए मल्टीप्लाई करके 39 प्लस करके 40 इजी है। d4 माइनस 39d² माइनस d² प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा? d² माइनस 39 1 आएगा। यहाँ से आपको 2 वैल्यू आ रहा है, अब 2 नंबर का प्रोडक्ट जब 0 हो तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 0, सेकेंड नंबर इक्वल टू, तो यहाँ से डी का वैल्यू आएगा √39 प्लस माइनस के साथ, और यहाँ डी का वैल्यू आएगा प्लस माइनस के साथ 1। ये वैल्यू आया, तो डी का वैल्यू अगर आप ये लीजिएगा प्लस माइनस √39 तो ये सूटेबल नहीं है, इसलिए हम लोग प्लस माइनस 1 लेंगे और नंबर में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 केस में लेके पुट किया है, आप भी क्या कीजिएगा इसको, वैसे ही 2 केस में लेके पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज का एपी का क्लास बस 2 मिनट और बढ़ेगा। अगर 3 नंबर्स हैं ABC are in AP, देन अगर ABC AP में है तो क्या होगा, क्या होगा देखिए, ABC AP में है तो D का वैल्यू क्या होगा? B-A। फिर से D का वैल्यू क्या होगा? C-B। जब दोनों, ये भी D इतना है, ये भी D इतना है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, देन B-A = C-B। B को इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा B+B = C+A, मीन्स 2B = C+A हमारा एक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इफ़ ABC are in AP देन 2B = C+A। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।